Assalamu alaikum dear listeners, today we are here with a new video that is called Predicates. So before learning this topic, we must understand that actually there were somehow questions regarding my students. They were saying कि सर अभी हमें जो predicate है special इस पर थोड़ा एक छोटा सा video बना दें ताकि predicate हमारे पास क्या है, किस तरह से होता है, उसके अंदर क्या होता है, we have to see that. So today we are going to learn the predicate. What's the predicate actually? Predicate shows, tells us about subject. अब predicate हमारे पास क्या होता है, ये हमें subject के बारे में information देता है. So that's called predicate. Like here is a sentence, he takes tea. He takes tea. अब he हमारे पास क्या है, subject. अब ये जो remaining part है, this is called predicate. दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. लेकिन अब इसे प्रेडिकेट क्यों कहा हमने, क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि पीना, क्या पीना, चाय पिएगा कौन, ही पिएगा, तो ये सारा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है. देयरफॉर वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक रबिया, रबिया थीट्स इंग्लिश. रबिया चीट्स इंग्लिश टुडे. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रबिया इज कॉल सब्जेक्ट और ये पूरा हमारे पास क्या क्या लाएगा, दिस इज कॉल प्रेडिकेट. क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पढ़ाए इंग्लिश, आज कौन पढ़ाएगा, वो कह रहा है रबिया पढ़ाएगी, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, रबिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिली. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल प्रेडिकेट. नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड्स के वट आर predicates. predicates के दो एग्जाम होती है. द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रेडिकेट, ना दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रेडिकेट. एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन प्रेडिकेट. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन प्रेडिकेट. अब एक्सटेंशन प्रेडिकेट क्या होता है, एक्सटेंशन लफ्ज की मीनिंग होती है एक्स्ट्रा. जो चीज़ एक्स्ट्रा हमारे सब्जेक्ट के अंदर हो, सेंटेंस के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ हो, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन प्रेडिकेट. जैसे कि ही टेक्स लंच एवरी डे एट 2 PM. अभी मैंने ये सेंटेंस लिखा कि ही इज कॉल्ड सब्जेक्ट. अब प्रेडिकेट हमारे पास दो हो गए, नंबर वन दिस वन एंड नंबर सेकेंड दिस वन. अब ये जो नंबर वन है, दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रेडिकेट, फाइन. एंड नाउ दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, लेकिन ये सिंपल प्रेडिकेट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन प्रेडिकेट. अब इसको हमने एक्सटेंशन प्रेडिकेट क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशली कोई एक्स्ट्रा पार्ट हमें बताना होता है. अगर ये जुमला मैं यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ कि ही टेक्स लंच, यहाँ तक भी मफहूम पूरा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चे का, तो इसीलिए ये हमारा एक प्रेडिकेट हो गया. लेकिन वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट है, उसे ख़त्म भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ वी हैव टू टू वर्ड्स द वट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट. सो नाउ वी हैव टू सी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के पार्ट्स कितने होते हैं, देर आर थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड वर्ब, सेकेंड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. अब कैसे है, लाइक He gave me money. अब अगर मैं यूँ कहता हूँ कि he gave me money, so he हमारे पास क्या हो गया, subject. Fine. अब उसके बाद ये पूरा this is called predicate. और अब हम बात करें parts की. Parts क्या हो गए, parts number वन क्या है, verb. So gave is called verb. ये पार्ट हो गया प्रेडिकेट का. आफ्टर दिस मी इज कॉल ऑब्जेक्ट हियर, मनी इज आल्सो कॉल ऑब्जेक्ट हियर. बोथ आर कॉल द पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक ही इज अ डॉक्टर. अब मैंने जब सेंटेंस लिखा ही इज अ डॉक्टर, यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट, फाइन. एंड दिस इज होल पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट.
आफ्टर प्रेडिकेट वी नीड टू एनालाइज द थॉट्स, वर्ब हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा, क्यों कॉम्प्लीमेंट लफ्ज़ की मीनिंग होती है कि कोई अधूरी चीज़ को पूरा करना। अगर मैं यूं लिखता हूँ कि ही इज, ये है तो सही, क्या है, मैंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि डॉक्टर है, सिंगर है, फाइन, डॉक्टर है, सिंगर है, डांसर है, यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, सो ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास फेसबुक होता है, फेसबुक पर हम कमेंट पास करते हैं, अधूरा जुमला सुनकर उसको कमेंट आउट करते हैं ना, तो इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट लफ्ज़ कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट करना, कंप्लीट करना, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी हैव टू सी पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ हमने बात की है कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितने किस्म के होते हैं। लाइक प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है दो किस्म के होते हैं ना, द फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे पता पड़े सेंटेंस के अंदर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इट इज़ एन ईजी टू लर्न, बहुत ही आसान तरीका है इसको पहचानने का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई क्या होती है, कोई ना कोई थिंग होगी, हमेशा कोई ना कोई क्या होगी, थिंग होगी, कोई बेजान चीज़ होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है। और इनडायरेक्ट हमेशा हमारे पास क्या होता है, पर्सन, कोई लिविंग थिंग होती है। लाइक वी हैव गॉट सेंटेंस, ही मेट मी, he met me yesterday, when I wrote he met me yesterday, kal wo mujhse mila, to yahan par he is called subject, this whole part is called predicate, parts of predicate agar hum jayenge to ye verb ho gaya hamare paas first part, second part kya tha object, ab me hamare paas kya hai, ye insaan hai, koi लिविंग थिंग नहीं है, तो इसके लिए हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट तो है, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फाइन। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक You gave us rice at the hotel, यहाँ में you क्या हो गया, this is called subject, और ये पूरा sentence हमारे पास क्या होगा, remaining part predicate, this whole part is called predicate। उसके बाद parts of predicate अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, verb, और ये us हमारे पास क्या हो जाएगा, object, rice क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास object, fine। और ये एक्सटेंशन में आ जाता है, एक्सटेंशन प्रेडिकेट के अंदर आ जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट, अब ऑब्जेक्ट तो हैं लेकिन अस क्या है, कोई ना कोई इंसान है, तो ये दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। लेकिन राइस लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फाइन। अच्छा, इससे दिस वॉज अ सिंपल टेक्निक टू अंडरस्टैंड आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक और बात, जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट की टेक्निक हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। जैसे कि अगर मैंने यूं कहा कि ही गेव, उसने दिया, ये डायरेक्ट जो टेक्निक है व्हाट की, कहां पर वर्ब पर अप्लाई की जाएगी, कि आपने दिया, क्या दिया, चावल दिए। जब मैंने वर्ब से पूछा क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया, चावल दिया, अब चावल हमारे पास क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें जब क्या का जवाब मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और सेकंड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम टेक्निक क्या यूज करते हैं, टू होम, जिसकी उर्दू होती है किसको, उसने दिया तो सही लेकिन किसको दिया, जैसे कि गैप किसको दिया, हमें दिया, अब हमें हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम जो किस उर्दू के अंदर होता है,
किसको और यहाँ पे उर्दू होगी क्या। जब किसको हम कहेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। गॉट इट। अब नाउ वी हैव टू सी हियर कि ये अब आपके लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन एक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड में मज़ा ही नहीं कर रहा मैं, पता नहीं क्यों। ओके फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।